तो जी हाँ भाई, क्या हाल चाल आप सब? क्या होप सो आप सब बड़े होंगे। मैं भी बड़े हूँ और फिर आ गए हैं ये वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं ये चीज़ें कि क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉगिंग को लेकर। जैसा मेरे यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है इस पर कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे लोग पूछ रहे कि आप स्टार्टिंग किस सेटअप से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ें बताने आया हूँ कि क्या चीज़ें सेटअप में यूज़ कर रहा हूँ मैं, कौन सा माइक है, कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, और क्या आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मतलब कि आप लोग अपने फ़ोन से और अपने ही फ्यू से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग करता हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये माइक है, माइक इन द सेंस अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो कि जिनकी रेंज है आपकी 25 और 20K तक, आजकल हालांकि बहुत सही फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन इस रेंज के फ़ोन में आपको एक नॉइज़ आती है वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हैं और आप जब सुनेंगे वीडियोज। जो अभी मेरी एक लास्ट वीडियो रही उसमें मैंने माइक नहीं यूज़ किया था, तो उसमें एक नॉइज़ था आपके साउंड, ये उसके लिए हेल्प करता है आपको उस नॉइज़ को हटाने के लिए। इसका कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक नॉइस हटाने का, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको रख देते हैं फिर करते हैं। तो इसको नॉइस के लिए, और अगर आपके पास आईफोन्स वगैरह हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि उनके अंदर जो इनबिल्ट माइक है उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो ऐसी नॉइस को हटा सकें अदरवाइज। और रही बात, इसके बाद आते हैं हम लोग कि क्या माउंट, तो एक छोटा सा माउंट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा माउंट आता है, सिर्फ ये माउंट चाहिए आपको फ़ोन को होल्ड करने के लिए। एंड देन अगर आप चाहें तो आपके पास अगर इसके ऊपर, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर माइक लगता है, और माइक ऐसा है कि आपको यार कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ेंगी। मैंने भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं, क्योंकि जिसके अंदर अभी मेरा फ़ोन रखा है वो दूसरा होल्डर है, जिसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट्स करी हुई है, और देन वो माइक आप इसके ऊपर होल्ड करते हैं, जो माइक मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी अब चलते हैं सीधा कि आपको अगर मार्केट वगैरह में आप ब्लॉक कर रहे हैं या आप कहीं और जा रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे कि आप फ़ोन को होल्ड कर सकें पकड़ सकें, क्योंकि आप सिर्फ फ़ोन को पकड़ेंगे, सिर्फ होल्डर लगा के तो फ़ोन को नहीं पकड़ सकते, आपको फ़ोन पकड़। तो जी हाँ भाई, ये जैसे आप देख रहे हैं गोरिल्ला पॉड है, ये कोई ऐसा महंगा है नहीं है, कोई ऐसा एक्सपेंसिव सा नहीं है, जो 5-7 हज़ार तक के आते हैं, जो मैंने ये बहुत ज़्यादा मिनिमल सी कॉस्ट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाता है आपके शहर में, वो के मतलब सिटीज़ में आपके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट्स लगते होंगे ऐसे, जो कि ऐसी ही चीज़ें बेचते हैं, और आपका LED लाइट्स होती हैं, रिंग लाइट्स होती हैं उनके पास, तो एक इनका हब हर शहर में ज़रूर होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं बहुत मिनिमल सी कॉस्ट का ये चीज़, और आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा माउंट लग जाता है, और इसके ऊपर माउंट के बाद आपका लग जाता है ऊपर माइक, तो आप उस माइक से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यही कहूँ, दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यार स्टार्टिंग में 5-7-8 हज़ार रुपये खर्च करना, इवन लोगों ने को मैंने देखा है अपने दोस्तों को जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्च कर देते हैं इसके अंदर, कि जैसे कि हमें कैमरा चाहिए पहले, फिर माइक चाहिए, देन उसके बाद आपको महंगा सा गोरिल्ला पॉड चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन जैसा मैं कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन माइक से भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यार देखो, अगर ये चीज़ नहीं चली तो आपका पैसा वेस्टेज हो जाएगा, इसलिए मत करो ये सारी चीज़ें कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको एज अ हॉबी ले लो स्टार्टिंग में। और सबसे बड़ी चीज़, आप उस चीज़ में करो जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो, परफेक्ट इन द सेंस कि आपका इंटरेस्ट है, और अगर आप स्टार्टिंग में ला रहे हो कोई वीडियो, तो 10-20-30 वीडियोस तक के आप एक कॉन्सेप्ट रखो, एक स्टोरी लाइन रखो कि हाँ मैं इन 30 वीडियोस का कंटेंट है मिलता, देन स्टार्ट करो। और यार जब मैं एडिट करता हूँ, अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम ID मेरा जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आ रहा है, तो इंस्टाग्राम ID आ रहा है, वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे को बता सकते हैं, या यूट्यूब के नीचे जहाँ कमेंट सेक्शन आ रहा है आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें और चाहिए, एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि मैं किस तरीके से एडिट करता हूँ। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में एडिट है, बट मैं फ़ोन से ही एडिट करता हूँ, तो मैं वो आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैं कैसे एडिट करता हूँ, किस ऐप से एडिट करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नई चीज़ें चाहिए, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें यार, जब ये सारी चीज़ें होगी इंस्टाग्राम पे और भी अपडेट्स हैं, तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग आउट अमित द्विवेदी।